महाराष्ट्र में एनडीए के सीट बंटवारे से जुड़ी एक बड़ी खबर है। जानकारी के मुताबिक आज एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर गृहमंत्री अमित शाह फैसला ले सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर ही हैं और बीती रात उन्होंने बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार के साथ बैठक की है और सीट बंटवारे पर चर्चा की है। इस खबर पर हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी हैं, उनसे समझते हैं कि क्या आखिरकार फैसला हुआ है। वैदेही कानेकर हमारे साथ है। वैदेही, क्या महाराष्ट्र एनडीए में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है, क्या खबर आ रही है? जी बिल्कुल स्वाति, अगर हम देखें तो पिछले 24 घंटे में जो है वो महाराष्ट्र के सियासी के लिए काफी महत्वपूर्ण रहे, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह लोकसभा चुनाव को लेकर जो है वो महाविकास आघाड़ी और महायुति की सरकार, इन दोनों में जो है वो काफी तेज अलग अलग जगहों पर जो है वो बैठक का सिलसिला दिखाई दे रहा है। हालांकि अमित शाह कल महाराष्ट्र में थे और उन्होंने महायुति यानी एनडीए के सारे घटक पक्ष जो है उनसे बैठक की है, जिसमें शिवसेना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस भी, अजित पवार गुट भी शामिल है। और इस बैठक में जो है वो कई सारे फॉर्मूले को लेकर जो है वो चर्चा हुई थी। हालांकि इसमें से एक फॉर्मूला जो है वो उन्होंने तय किया है, जिसमें बीजेपी जो है वो 28 सीट को लेकर लोकसभा चुनाव में दिखाई देगी, तो शिवसेना जो है वो 16 से 18 सीट जो है वो मांगने की संभावना बताई जा रही है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट को 4 ही सीट मिलेंगे। हालांकि एक बड़ा फॉर्मूला जो है वो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है वो फाइनल किया गया है, अमित शाह इन्होंने भी ये फाइनल किया है, लेकिन कुछ 10 सीटें ऐसे हैं जिसको लेकर जो है वो अभी भी काफ़ी दिक्कतें हैं, अभी भी कुछ काफ़ी सीटों को लेकर जो है वो अनबन शुरू है, लेकिन ये अनबन जल्द से जल्द खत्म करने की बात भी अमित शाह इन्होंने की है, और अगले 24 घंटों में जो है वो रिपोर्ट केंद्रीय दल को जो है वो सौंपनी है, क्योंकि बीजेपी की और एक लिस्ट जो है वो सामने आने वाली है, जिसमें महाराष्ट्र की सीटों को लेकर भी बड़ी घोषणाएं की जाएगी, जिसको लेकर जो है वो बीजेपी को क्लेरिफिकेशन चाहिए, और अगले 24 घंटों में जो है वो 10 सीटों का जो अनबन है वो पूरी तरह से मिटाया जाए, विवाद मिटाया जाए, और कुल ये सीटें जो है वो उसको फुल एंड फाइनल करके पूरी लिस्ट जो है वो केंद्रीय दलों के पास, केंद्रीय जो नेता है उनसे वहाँ दिल्ली पर जो है वो पहुँचाई जाए, ऐसी घोषणा जो है वो अमित शाह इन्होंने की है, ऐसा आदेश उन्होंने दिया है, और अमित शाह जो है वो फिलहाल महाराष्ट्र से निकल चुके हैं। जैसे कि हमने कहा है कि महाराष्ट्र के सियासी में जो है वो शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस को कितनी सीटें देनी है इसको लेकर भी काफ़ी सारी बैठकें इससे पहले भी हो चुकी थी। हालांकि बीजेपी 32 सीट को लेकर जो है वो अपना सीट को लेकर जो है वो मैदान में उतरना चाहती थी, लेकिन बीजेपी 32 सीट पर नहीं लड़ सकती है, क्योंकि कुछ सारे कैलकुलेशंस हैं वो जो है वो अमित शाह के सामने कल रात के मीटिंग में जो है वो बयान किए गए हैं, जिसको लेकर फॉर्मूला 2 जो है वो पास किया गया है, ऐसा भी समझ में आ रहा है। ये फॉर्मूला 2 में जो है वो बीजेपी 28 सीट को लेकर जो है वो चुनावी मैदान में दिखाई दे सकती है, और शिवसेना जो है वो 16 से 18 सीट को लेकर चुनावी मैदान में दिखाई दे सकती है, और राष्ट्रवादी अजित पवार गुट को जो है वो सिर्फ 4 सीटों पर ही जो है वो सकारात्मकता दिखानी पड़ेगी, क्योंकि 4 सीट जो है वो उनके पल्ले में फिलहाल दिखाई दे रही है, उसको लेकर अजित पवार जो है वो भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी अनबन, ये सारी विवाद जो है वो मिटाने के लिए अमित शाह इन्होंने 24 घंटे का जो समय है वो यहाँ पर महायुति सरकार को दिया हुआ भी नजर आ रहा है। जी बहुत धन्यवाद करेंगे वैदेही इस पूरी खबर पर और ज्यादा डिटेल्स हमें देने के लिए।